दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्टेट बैंक के नो नो ब्रांच ट्रांजैक्शन को लेकर। यानी कि दोस्तों अगर आप यहां पर स्टेट बैंक में जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच से अलग ब्रांच में अगर आप पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो आप उस ब्रांच से यहां पर फॉर्म भर के कितने पैसे निकाल सकते हैं और आप यहां पर चेकबुक से भी कितने पैसे निकाल सकते हैं आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों ये आपको कंप्लीट नियम आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्तों यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने हाल ही में ट्विटर हैंडल से ट्वीट के बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर नॉन होम ब्रांच ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। वो बड़े बदलाव क्या हैं आपके लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि नॉन होम ब्रांच ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। दोस्तों नॉन होम ब्रांच ट्रांजैक्शन को अगर मैं आपको आसानी से बताऊं तो मान लीजिए अगर आपने स्टेट बैंक के दिल्ली ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया है और अकाउंट ओपन कराने के बाद आप यहां पर चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुके हैं तो चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद जब आप चंडीगढ़ की ब्रांच से पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके लिए कुछ यहां पर रूल रेगुलेशन होंगे। सो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक स्टेट बैंक का बैनर दिख रहा होगा जो यहां पर स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। तो यहां पर दोस्तों कोरोना काल में अगर आप यहां पर किसी यानी कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच से अलग ब्रांच में आप जाकर पैसे निकालते हैं तो वहां पर आप अगर फॉर्म भर के पैसे निकालना चाहते हैं और आपके पास यहां पर आपकी पासबुक है तो आपको लगभग 25,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि आपको आपकी नॉन होम ब्रांच से 25,000 रुपए आप फॉर्म भर के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास चेकबुक है और आप यहां पर चेकबुक से खुद ही आप ब्रांच में जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो आप यहां पर नॉन होम ब्रांच से 1,00,000 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी आप यहां पर चेक से पैसे निकालेंगे वो चेक यहां पर आपका सेल्फ मेड होना चाहिए यानी कि सेल्फ में जो चेक यहां पर होता है उससे आप यहां पर स्टेट बैंक की नॉन होम ब्रांच से 1,00,000 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर कोई थर्ड पर्सन को आप यहां पर चेक देते हैं और वो पर्सन यहां पर चेक से पैसे निकालना चाहता है तो वो थर्ड पर्सन यहां पर चेक से लगभग 50,000 रुपए विड्रॉल कर सकता है। सो दोस्तों यहां पर इसी तरह ये तीन नियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े बदलाव यहां पर नॉन होम ब्रांच को किए हैं तो यहां पर आपको सभी इन तीनों नियमों का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो मेरे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो और फाइनेंस से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।